मिरर इक्वेशन मिरर इक्वेशन ये वाली थियरी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो आज हम देखते हैं डेरिवेशन ऑफ मिरर इक्वेशन अब मिरर इक्वेशन क्या है तो मिरर इक्वेशन एक्चुअली क्या है रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ या फिर रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन जो बताता है इक्वेशन है उसे को हम क्या बोलेंगे द मिरर इक्वेशन तो यहाँ पर मिरर इक्वेशन को समझने से पहले उसका डेरिवेशन करने से पहले हमें ये जो रे डायग्राम है वो समझना पड़ेगा तो यहाँ पर समझो पहले ए बी जो है वो क्या है एक्चुअली ऑब्जेक्ट है उसमें से इमेज कहाँ पर मिलेगी वो अगर हमें तय करना है तो उसके लिए यहाँ पर तीन रे लिए हैं कौन कौन से एक तो ये पैरेलल रे है पैरेलल रे जो है वो जब रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है तो फोकस में से पास होता है दूसरा यहाँ पर ये यह जो है वो पोल पर जा रहा है तो पोल पर जो रे जाता है तो रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ जाएगा क्योंकि ये हो गया नॉर्मल तो ये एंगल ऑफ़ इंसिडेंस तो जितना एंगल ऑफ़ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ़ रिफ्लेक्शन होगा तो रे रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ जाएगा तीसरा जो है ये वाला तो ये जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होता है तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होता है तब रे जो है वो रिफ्लेक्ट होकर वही डायरेक्शन में वापस जाएगा तो यहाँ पर तीन रे है तो आप देख सकते हो कि एक ये रे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आया एक दूसरा रे रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ गया तीसरा रे जो है वो यहाँ से गया और रिफ्लेक्ट होकर वही मीडियम वही वही डायरेक्शन में वापस गया अब हम यहाँ पर ये यह जो होगा सी से पी का बीच का डिस्टेंस जिसको बोलेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर एफ और पी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे हम फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट से पोल के बीच का डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये रे ये रे ये रे तीनों तीन यहाँ पर मिट होते हैं हो और जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे मिट होते हैं वहाँ पर क्या मिलता है इमेज तो एडेस बिडेस जो है वो क्या हुई इमेज और इमेज से पोल के बीच का डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं वी तो यहाँ पर हमें यू वी एफ उसके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम समझो पूरा तो फिगर शोज द डायग्राम कंसिडरिंग थ्री रेस इट सोज द इमेज एडेस बी डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए बी फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है क्या शो करता है कि ए बी जो है वो ऑब्जेक्ट है और उसके जरिए जो एडेस बी डैश इमेज मिलती है वही शो कर रहा है अब यहाँ पर टू राइट एंगल ट्राइंगल ए एस बी डैश एफ एंड एफ एम पी एफ आर सिमिलर अब देखो यहां पर एडेस बी डैश एफ ये छोटा सा ट्राइंगल और दूसरा वाला जो है वो एम पी एफ दोनों सिमिलर है क्यों सिमिलर मैं आपको बता दूँ एड एस बी डेस एफ में ये जो है वो राइट एंगल यहाँ पर आप देखो तो एम पी एफ में ये राइट एंगल मतलब दो नाइन्टी नाइन्टी एंगल है दूसरा ये जो है बी डैश एफ और एडेस ये जो एंगल है और ये एंगल जो है वो आम-साम साम, आमने सामने वाला एंगल है दोनों सेम है दोनों एंगल सेम हो गए तो क्या हो जाएगा दोनों दोनों सिमिलर है और सिमिलर है तो हम रेशियो जो है वो कैसे ले, ले सकते हैं एडस बी डैस वर्टिकल एम पी वर्टिकल दैट मीन्स एडस बी डैस डिवाइडेड बाय एम पी इज इक्वल टू बी डैश एफ डिवाइडेड बाय एफ पी ऐसे लिख सकते हम देखो यहाँ पर बी डैश ए डैश डिवाइडेड बाय एम पी या फिर पी एम इज इक्वल टू बी डैश एफ डिवाइडेड बाय एफ पी बट यहाँ पर आप देखो तो बी डैश ए डैश डिवाइड बाई पी एम लिखा तो पी एम बोलो या फिर ए बी बोलो दोनों सेम ही है क्योंकि ये जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट है ए बी और पी एम दोनों बोलो दोनों दोनों सेम ही हैं तो पी एम की जगह हम ए बी लिख सकते हैं तो यहाँ पर बी डैश ए डैश Divided by PM is equal to b dash F divided by FP. Clear. एफ पी क्लियर अब यहाँ पर बी डैश divided by BA, बाई बी ए बी डैश इसको नंबर वन दे देते हैं नाउ सिंस एंगल APB पी बी इज इक्वल टू एंगल ए तो यहाँ पर देखो आप AP बी एंड ए डैश पी बी डैश मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों सिमिलर है क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आई इज़ इक्वल टू आर दैट मीन्स ये एंगल जो है वो इंसिडेंट होगा और ये नीचे वाला जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा दोनों दोनों सेम होंगे और वो एंगल यहाँ पर दो ये एंगल सेम है और ये ट्रा की बात करें ए पी बी ए डैश बी डैश पी तो ए पी बी में ये जो है वो राइट एंगल है सेम थिंग ए डैस बी डे पी में ये जो है बी डैश वो भी राइट एंगल है मतलब दो एंगल सेम तो यहाँ पर ये दोनों जो ट्राइंगल है ए पी बी एज वेल एज एडस बी डे पी वो दोनों सिमिलर होंगे तो द राइट एंगल ट्राइंगल एड एस बी डे पी एंड ए बी पी आर ऑल्सो सिमिलर देयरफॉर यहाँ पर भी हम कह सकते हैं वर्टिकल देखो एड बी तो यहाँ पर वर्टिकल क्या है ए बी तो ये दोनों का रेशियो ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू पी बी डैश डिवाइडेड बाय पी बी ऐसा लिख सकते हो या फिर बी डैश पी डिवाइड बाई बी पी ऐसा लिख सकते हो तो यहाँ पर बी डैश ए डैश डिवाइड बाई बी ए इज इक्वल टू बी डैश पी डिवाइड बाई बी पी मैंने लिखा है अब एक नंबर में क्या था उसमें भी बी डैश ए डैश डिवाइड बाई बी ए था यहाँ पर भी बी डैश ए डैश डिवाइड बाई बी ए है दोनों को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर वन एंड टू तो क्या होगा बी डिवाइड बाई एफ पी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा बी ड पी डिवाइड बाई बी पी अब यहाँ पर समझो बी डस एफ़ ये जो बी मैंने लिखा है तो बी क्या होगा तो बी डेस एफ मतलब बी डेस से लेकर एफ़ ये जो डिस्टेंस है वो तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस वो बी डेस एफ़ तो वो पूरा V और F ये दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं हम समझो पूरा कि जो पोल है उसके लेफ्ट साइड जो होंगे उसको हम नेगेटिव लेंगे और पोल के राइट साइड जो होंगे उसको हम पॉजिटिव लेंगे अब यहाँ पर आप देखो F नेगेटिव R नेगेटिव V जो है वो भी नेगेटिव U भी नेगेटिव क्योंकि सब जो है वो पोल के इस साइड है तो यहाँ पर v जो है वो नेगेटिव लेंगे तो माइनस वी समझना में जो बोल रहा हूँ यहाँ पर मैं समझा देता हूँ एक्चुअली हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बी डैश एफ़ तो बी डैश एफ़ के लिए क्या करेंगे हम ये v और f ये जो डिस्टेंस बचता है वो तो ये v है लेकिन लेफ्ट साइड है तो क्या हो जाएगा माइनस वी हो जाएगा और उसके बाद माइनस ये f भी क्या है नेगेटिव है तो माइनस एफ़ हो जाएगा तो अब देखो कि माइनस वी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एफ सौ so, पूरा डिस्टेंस जनरली हम कैसे फेंड करते हैं तो ये टोटल वी है और एफ़ है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए एक्चुअली वी माइनस एफ एक्चुअली ऐसे होना चाहिए लेकिन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये क्या है माइनस वी ये क्या है माइनस एफ तो माइनस वी माइनस माइनस एफ करना पड़े तो माइनस वी प्लस क्या हो जाएगा एफ तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगा बी एफ वो कितना होगा माइनस वी प्लस एफ अब दूसरा कौन सा था एफ पी तो एफ पी मतलब ये डिस्टेंस एफ से लेकर पी मतलब वो तो फोकल लेंथ है ही वैसे और लेफ्ट साइड है तो क्या लेंगे हम माइनस एफ तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है माइनस एफ सेम थिंग यहाँ पर आप देखो तो बी पी है तो बी डेस पी बी पी मतलब इमेज डिस्टेंस तो वो भी लेफ्ट साइड है तो माइनस वी लेंगे तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है माइनस वी एंड बी पी मतलब ये जो होगा पूरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेकिन वो भी क्या है लेफ्ट साइड है तो मैंने क्या लिखा है माइनस यू तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस वी प्लस एफ डिवाइड बाई माइनस एफ इज इक्वल टू तो माइनस वी डिवाइड बाई माइनस यू माइनस वी प्लस एफ डिवाइड बाई माइनस एफ माइनस माइनस एफ कैंसल हो जाता है तो क्या हो जाएगा v अपॉन यू अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो माइनस वी इंटू यू दैट मीन्स माइनस वी यू प्लस एफ इंटू यू मतलब एफ यू इज इक्वल टू माइनस वी एफ अब हम क्या करते हैं डिवाइड बोथ साइड विथ यू वी दोनों साइड हम यू वी के साइड डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर वी यू डिवाइड बाय यू वी या फिर वी यू लिखो तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो रहेगा क्या माइनस वन प्लस एफ यू डिवाइड बाय यू वी इस ले आते हैं तो एफ बाई यू प्लस एफ बाई वी और माइनस वन को साइड ले जाते हो प्लस वन हो जाएगा तो यहां पर आप एफ जो है वो कॉमन निकाल सकते हो तो एफ इन ब्रैकेट वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी क्या रहेगा वन और ये f को इस ले जाता तो डिवीजन में जाएगा तो वन अपॉन यू प्लस इन ऑफ f अगर u v और f के रिलेशन चाहिए तो वन अपॉन यू प्लस वी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ सेम थिंग अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म में लिखना है तो रिलेशन में पता है कि एफ इज इक्वल टू क्या है आर बाय टू तो उसकी वैल्यू अप करें तो दूसरा रिलेशन कैसे आ जाएगा वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी इज इक्वल टू बाय आर नाउ मैग्निफिकेशन एम अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है एम इज इक्वल टू एच डैश डिवाइड बाय एच वेर एच डैश इज इक्वल टू इमेज हाइट एंड एच इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट अब इक्वेशन टू जो हमें मिला वो क्या था बी डैश ए डैश डिवाइडेड बाई बी ए इज इक्वल टू बी डैश पी डिवाइडेड बाई बी पी अब यहाँ पर बी डैश ए डैश देट मीन्स क्या था इमेज हाइट एच डैश यहाँ पर माइनस जो मैंने लिखा है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिखा है क्योंकि इमेज जो है यहाँ पर क्या मिल रहे थे इन्वर्टेड और इन्वर्टेड है मतलब उल्टी है तो उस वक्त हम साइन कह लेंगे नेगेटिव और अगर सीधी मिलती है तो साइन कह लेंगे हम पॉजिटिव तो यहाँ पर एच डैश जो है वो मैंने नेगेटिव लिखा है बी ए दैट मीन्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो सीधा था ऑब्जेक्ट तो उसके हाइट जो है पॉजिटिव लेंगे हम बी डैश पी जो कि माइनस वी है बी पी देट मीन्स माइनस यू साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए सब कुछ लिखा है मैंने अब देखो यहाँ पर तो माइनस एच डैश अपॉन एच माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा वी अपॉन यू अब ये माइनस कोई हिस्सा ले जाते हैं तो एच डैश अपॉन एच माइनस वी अपॉन यू बट एच डैस अपॉन एच मतलब मैग्नीफिकेशन तो एम बराबर क्या हो जाएगा माइनस वी अपॉन यू तो ये माइनस वी अपॉन यू ये हुआ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला स्पेशल फॉर स्फेरिकल मिरर आप कोई भी चाहे कौन के मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो दोनों के लिए आप मैग्नीफिकेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो मेन फॉर्मूला जो है वो एच डैस अपॉन एच ही है लेकिन आपको अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर इमेज डिस्टेंस दिया है और उसमें से आपको मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करना है तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो